पूरी दुनिया में क्या लगता है कितने होते हैं मतलब कितने हिस्सों में डिवाइडेड है।, <Device> <देश्गे>। है चार पांच आज... <estructural> पांच <पाँच> दो <पाँच> दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा डेजर्ट ब्राउनी विथ आइसक्रीम दिल्ली यूनियन टेरिटरी है या फिर एक स्टेट है यू ये नहीं है स्टेट है स्टेट टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी लास्ट क्वेश्चन आई डोंट नो 24 <laughs> मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना <laughs> तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हालत इनकी तरह ना हो तो आज के इस सेशन में आपको लगेंगे तीन इंग्रेडिएंट्स, एक पेन एक पेपर और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका ढेर सारा टेंशन क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सुपर लेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जहां हम लार्जेस्ट डीपेस्ट लॉन्गेस्ट जैसे कई और टर्म्स डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वॉटर बॉडीज के साथ जैसे कि लेक सी या ओशन लार्जेस्ट लेक आपको मिलेगा कैस्पियन सी में इसे सी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत लार्ज वाटर बॉडी है पर लेक किया जाता है क्योंकि एक वाटर बॉडी है लार्जेस्ट लेक होने के साथ साथ ये सॉल्ट वाटर लेक भी है वहीं अगर हाईएस्ट लेक की बात करें तो ये आपको मिलेगा चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर में ओजोस डेल दो और यही हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो क्रेटर लेक भी है इसके विपरीत डीपेस्ट लेक की बात करें तो यह है लेक बैकाल जो कि आपको रशिया में मिलेगा और डीपेस्ट होने के साथ साथ ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है ये थी दुनिया की बात पर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखे तो लार्जेस्ट लेक माना जाता है वेम्बरनाड लेक को जो कि केरला में है लार्जेस्ट होने के साथ साथ ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया भी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसके विपरीत लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ओरिसा चिले का चिलेका वही अगर हाइएस्ट और डीपेस्ट की बात करें तो है चोलामू लेक ऑफ सिक्किम और मनसबा लेक ऑफ जम्मू कश्मीर कुछ थ्योरीज की माने तो अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ दो हिस्से हुआ करते थे लार्जर वाटर बॉडी और सुपर कॉन्टिनेंट

अगर आप करंट अफेयर्स में अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं देन यू कैन टू ऑफ वन वन वीडियो एंड कोर्स जिसकी पूरी जानकारी नीचे दिए गए लिंक में है वाटर बॉडीज अभी खत्म नहीं हुई है लार्जेस्ट सी माना जाता है फिलिपीन सी को जिसका एस्टिमेटेड सर्फेस एरिया है करीब पांच मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसके विपरीत स्मॉलेस्ट सी है एड्रियाटिक सी वही अगर इंडियन रिस्पेक्ट की बात करें तो दो हम सराउंडेड है बाय थ्री वाटर बॉडीज

रिवर भागीरथी ओल्डेस्ट की बात करें तो यह है Lake Holmes Dam, जिसे जिसे बनाया गया था के 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 द्वारा पर है ये में। इंडिया में है सीरिया में. में भी कहते हैं तमिलनाडु ऊपर. की बात करें तो यह जिनपिंग आई डैम जो कि यालोंग रिवर पे है इंडिया में टॉलेस तेहरी डैम ही है वही लॉन्गेस्ट है कीव नीपर रिवर पे इन यूक्रेन इंडिया में यह है हीराकोट डैम ऑन द रिवर महानदी इन ओरिसा दुनिया का पहला आज डैम था ग्लैनम डैम और इंडिया का पहला है इडुकी ऑन द रिवर पेरियार जो एशिया का लार्जेस्ट भी है दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल नदी जिसकी लंबाई करीब 6,650 किलोमीटर से ज्यादा है जो कई अफ्रीकन कंट्रीज से होते हुए जाती है पर लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एक्चुअली एमेजोन नदी है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है डीपेस्ट है कॉन्गो रिवर जिसकी गहराई एट टाइम्स टू ट्वेंटी मीटर है इंडियन मेनलैंड में गोथ्रू होने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा जहां सबसे गहरी और लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रोवाइड करने वाली है ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं इर्तिश नदी जो कि ओब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है वो सबसे लंबी है दुनिया में और इंडिया में यह है यमुना नदी जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है अब इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको ही देने होंगे चलिए बताइए कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है यह है ग्रीनलैंड आइलैंड जिसका एरिया करीब 2.13 पॉइंट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है तो ये है एंड्रॉड आइलैंड जो कि लक्ष्मीप में है पर अगर सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार जो कि लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है अब ये भी बता दीजिए कि लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड कौन सा है तो ये है मजूली आइलैंड जो कि आसाम में है ब्रह्मपुत्रा रिवर से बनाया गया डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहां दस इंच या ढाई सौ मिलीलीटर से भी कम बारिश होती हो तो ऐसा डेजर्ट जिसका एरिया करीब 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट भी है बताइए यह कौन सा है हम सभी ने बचपन से पढ़ा है यह है सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है पर यह तो था हॉट डेजर्ट अब बताइए कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है यह है अंटार्क्टिका का जिसे कोल्डेस्ट विंडीएस्ट मोस्ट आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है इंडिया में तो एक ही डेजर्ट एरिया है यह है द थार डेजर्ट जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां एक भी डेजर्ट नहीं है सही जवाब है यूरोप नोट्स लेना बंद नहीं करना है क्योंकि अब हम हाइएस्ट पीक की बात करने जा रहे हैं हाइएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पाया जाता है इंडिया में ये है माउंट कंचन जंगा जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन ये एक माउंटेन की जब सीरीज लग जाती है तब कहलाता है ये माउंटेन रेंजेस लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अब द ग्राउंड है एंडिस जिसकी लंबाई सात हजार किलोमीटर है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है पर बिलो द वॉटर की बात करें तो ये है मिड ओशनिक रिज जिसकी लंबाई करीब सिक्सटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर है ये थी लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात अगर टॉलेस्ट माउंटेन रेंज देखें तो ये है हिमालय जो बने तो थे सालों पहले पर जोग्राफिकल एज के हिसाब से इन्हें यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है

वेस्टर्न रीजन में कहा तो ऐसी जगह जहां दो रिवर्स एक साथ मिल रही हो गैस कर पाए यह है गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जिसे सुंदरबंस डेल्टा भी कहा जाता है जिसका एरिया एक लाख पांच हजार स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है अब आखिरी में कुछ ब्रेथ वॉटरफॉल्स देख लेते हैं हाइएस्ट और टॉलेस्ट वॉटरफॉल है एंजल फॉल्स वेनेजुएला की जिसकी हाइट करीब नाइन मीटर्स है जहां पानी इस तरीके से गिरता है कि ऊपर से बुन और आखिरी में मिस्ट बन जाता है दिस इज द एंजल फॉल्स ऑन रिवर वहीं वही वाटरफॉल की बात करें तो यह है खोने फॉल्स जो कि मैकोंग रिवर पे है इन कंबोडिया जिसकी विथ साइड टू साइड करीब 10 किलोमीटर है वहीं लार्जेस्ट वाटरफॉल की बात करें जिसका एवरेज फ्लो रेट करीब 16 से 17 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को भरने के बराबर है वो भी एक सेकंड में

हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड वही हाइएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया एज वेल के बारे में और ऐसी कौन सी कंट्री है जिनकी सबसे लंबी कोस्टलाइन है और ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्टलाइन है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मिलकर बनती है दी सुपर लेटिव ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू जोग्राफी अब इस सेशन को कंक्लूड करते हुए आपसे आखिरी सवाल आपको मुझे बताना है दैट विच इज द हाइएस्ट नोन बैटल फील इन द वर्ल्ड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेशन बिलो टिल देन कीप लर्निंग एन आई शल सी यू इन द नेक्स्ट वन